गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आज है 5 अगस्त और मैं आ चुका हूँ अपने डेली वोकैब वाले सेशन में आप लोगों के लिए। डेली वोकैब लेकर टॉप 10 आज का वोकैब हम लोग देखेंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज वीडियो को पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को वॉच करने से पहले लाइक कर दें। चलते हैं हम लोग आज के पहले वर्ड पे। आप लोग सेंटेंस जरूर बनाया करें और कॉमेंट बॉक्स में सेंटेंस को लिखें। आज का पहला वर्ड है हमारा स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे कोई भी घटना है वो क्या हो रहा है, इरेगुलर टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, वो घटित हो रहा है वो घटना। मतलब उसका कोई टाइम नहीं है कि इस टाइम में ये होगा। कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है जो इरेगुलर इंटरवल में हो रहा है और एक फ्यू प्लेसेस में हो रहा है। किसी खास प्लेस में वो घटना घट रहा है कुछ कुछ समय अंतराल, लेकिन वो समय अंतराल फिक्स नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पोरैडिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सपेडियंट। एक्सपेडियंट का मतलब होता है प्रणाली, जिससे जो होता है ना बेसिक हमारा जो कंसेप्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रणाली कहते हैं, एक बेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्वे। स्वे का मतलब होता है बोलबाला, काफी चर्चित हो जाना। ठीक है, फेमस हो जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इस चीज का बोलबाला है, उसके लिए हम लोग स्वे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिटर। फिटर का मतलब होता है कन्फाइन और रेस्ट्रिक्ट समवन, किसी पे रोक लगा देना, किसी को बेड़ियों में जकड़ देना। ठीक है, जकड़ देना उसको मूव करने से, उसके लिए हम लोग फिटर का यूज कर सकेंगे। कन्फाइन कर देना, सीमित कर देना किसी को, रेस्ट्रिक्ट कर देना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेरोल्ड। हेरोल्ड का मतलब होता है सूचना देना, कोई भी चीज के लिए संकेत दे देना, सूचना दे देना, उसके लिए हेरोल्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है खानाबदोश, जो भी घुमंतू लोग होते हैं, घुमंतू भी इसका हिंदी होता है, जो कि एक जगह नहीं टिकते हैं, जिनका परमानेंट सेटलमेंट कहीं नहीं होता है, वो लोग घूमते रहते हैं या तो खाने की तलाश में या कोई भी रोजगार अपना करते रहते हैं, लेकिन वो घूम घूम के करते रहते हैं। खानाबदोश है उनका, एक जगह पे कोई भी आश्रय नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकार्सिरेशन। इनकार्सिरेशन का मतलब होता है किसी को कैद कर देना, किसी को जकड़ देना। ठीक है, किसी को कैद कर देना फोर्सफुली, उसको कहते हैं हम लोग इनकार्सिरेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेस्टीज। वेस्टीज का मतलब होता है शेष या अवशेष या निशान। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर कोई यहाँ पे चीज हुआ, घटना घटा, उसका कुछ अवशेष रह गया, कुछ निशान मिल गया, उसके लिए वेस्टीज का यूज करेंगे। या मान लीजिए कोई चीज जला, जलने के बाद जो चीज अवशेष बचा, कोई भी चीज प्राप्त करने के बाद जो चीज अवशेष बच जाता है उसको वेस्टीज कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है एडजेसेंट, इम्पीडिंग, मतलब निकटतस आसन जो होता है। ठीक है, जो भी पड़ोस आस पड़ोस की जो चीजें होती है, एकदम सटा हुआ जो चीज होता है, एडजेसेंट जिसको हम लोग कहते हैं, उसको इमिनेंट कहते हैं हम लोग। इम्पेंडिंग और एडजेसेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको समझना। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है दुर्बल, मंद होता है। मंद जो होते हैं ना, बहुत ही स्लो होते हैं, उनमें ताकत की कमी होती है, उसको हम लोग दुर्बल कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। तो ये थे हमारे टोटल टॉप 10 वर्ड्स आज के। प्लीज़ आप लोग सेंटेंस बनाए, सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मैथ का देख सकते हैं अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, कंप्यूटर का देख सकते हैं, जीके देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।